जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है तीतुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 15वां वचन। वचन कहता है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, परंतु अशुद्ध तथा अविश्वासी लोगों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनके मन और विवेक दोनों ही अशुद्ध हैं। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। दोस्तों, ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये हमें बताता है कि हमारा नज़रिया क्या है, हमारा नज़रिया क्या है इस जीवन के लिए, हमारा नज़रिया क्या है उस क्रूस के लिए। हम किस नज़रिए से उस क्रूस को देखते हैं, हम किस नज़रिए से परमेश्वर की योजनाओं को देखते हैं, हम किस नज़रिए से परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, हम किस नज़रिए से अपने आप को देखते हैं। दोस्तों, आज जब हम शुद्ध हैं, आज हम यीशु मसीह के लहू से पवित्र हो चुके हैं, हम किस नज़रिए से अपने आप को आंकते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे जीवन में महसूस करते हैं, हमारा नज़रिया हमारे जीवन को, हमारा नज़रिया परमेश्वर के प्रेम को, हमारा नज़रिया परमेश्वर के वचन को समझने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि जो शुद्धता आपके मन में है, अगर शुद्धता आपके मन में है तो आपको हर चीज़ शुद्ध दिखाई देगी, आपको हर चीज़ शुद्ध नज़र आएगी। मुझे वो वचन याद आता है और वो वाक्य याद आता है जब एलिया राजा आहाब के पास गया था और जब उसने महसूस किया और जाना कि राजा आहाब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, उसने ऐलान किया राजा आहाब के सामने कि राजा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। और बाइबल बताती है, वचन बताता है कि 3.5 साल तक वहाँ पर वर्षा नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चे से प्रेम किया और बच्चे को कहा, एलिया तू जा और करीत नाले के पास रहे, वहाँ पर कौआ तुझे रोज़ आएगा और एक रोटी देगा और मांस का टुकड़ा देगा। मेरे दोस्तों, एलिया ने ये नहीं सोचा कि मैं तो प्रभु का जन हूँ, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं तो परमेश्वर का प्रिय हूँ। अरे, मैं उसका प्रिय हूँ और वो मुझे नाले का पानी पीने के लिए कह रहा है, वो मुझे कौए की झूठी रोटी खाने के लिए कह रहा है। नहीं दोस्तों, एलिया ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि एलिया जानता था कि उसके वचनों में शुद्धता है, वो चंगाई दाता है, वो मुक्ति दाता है, वो यहोवा राफा है, यहोवा निसी है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसके आदेश में शुद्धता है, उसके आदेश में पवित्रता है। दोस्तों, हमने पाई शुद्धता, इसलिए मत्ती 5:8 कहता है, धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी शुद्धता के द्वारा ही हम तुझे देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है फिलिप्पियों 2:5 में कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव तुम अपने अंदर रखो। दोस्तों, मुझे एक घटना याद आती है। मैं भी कुछ दिन पहले ही इज़राइल गया था और वहाँ पर मेरे साथ थे डॉक्टर पीजी वर्गीस, जो आईटी के फाउंडर हैं। मैंने जाना वहाँ पर, मुझे उनकी घटना को पता लगा कि कुछ साल पहले वो एक आदिवासी शहर में गए थे, आदिवासी गांव में गए थे, वहाँ उन्होंने प्रचार किया और हज़ारों की भीड़ उनका प्रचार, उनका संदेश सुनने के लिए आई। और वहाँ उन्हें पता लगा कि वहाँ एक चमार का घर है, एक भंगी का घर है, जिसे लोग गलत निगाह से, गंदी निगाह से और दूर रखते हैं, उसे घृणा करते हैं उससे। उन्होंने मन में एक निर्णय किया और उस रात पास्टर पीजी वर्गीस उस भंगी के घर में जाकर रहे। वहीं पर उन्होंने खाना खाया, उन्हीं के गिलास में पानी पिया, उसी के बिछौने पर वो सोए। लेकिन वहाँ पर एक और युवक था जो थोड़ा गुंडा था, जो जाति जाति का भेद रखता था, जो उस भंगी परिवार के विरुद्ध था। वो रात भर उस भंगी के परिवार के घर के सामने खड़ा हुआ बेचैन था कि कैसे डॉक्टर पीजी वर्गीस, जो इतने बड़े प्रचारक हैं, वो उस भंगी के घर में थे। सुबह हुई और वो लड़का डॉक्टर पीजी वर्गीस से मिलने के लिए आया। उस लड़के ने उसको निहारा और कहा कि डॉक्टर, पास्टर, अगर आप उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप उस यीशु की सेवा करते हैं जिसमें जाति का भेद नहीं है,
ऊंच नीच का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, तो मैं ऐसे प्रभु को मानना चाहता हूँ, मैं भी उसका दास बनना चाहता हूँ। और दोस्तों, आज वो युवक एक बहुत बड़ा सेवक है परमेश्वर का। तो उस शुद्धता से हमने क्या पाया? उस शुद्धता से हमने परमेश्वर की शक्ति पाई, उस शुद्धता से हमने परमेश्वर की कृपा पाई, उस शुद्धता से परमेश्वर का सामर्थ्य जो हम में है हमने उसको पाया। इसलिए दोस्तों, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे, उनकी सेवा में शुद्धता थी, उनकी सेवा में पवित्रता थी, और वो पवित्र भाव से सेवा कर रहे थे और बता रहे थे कि हमें भी ऐसा ही सेवा का भाव, ऐसा ही सेवा का नज़रिया अपने अंदर रखना है। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो शुद्ध है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू शुद्ध है और तूने हमें अपनी शुद्धता दी है। हम धन्यवाद देते हैं, हम हर सुनने वालों के लिए आशीष मांगते हैं और मांगते हैं कि तेरी शुद्धता हम सब में बनी रहे, ताकि तेरे आने पर हम तुझे देख सकें और तेरे होकर रहे। यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया।